Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. And once again, we are into our Smart English program. Right, so you are going to become a Smart English speaking person. For that, what you need to do is, you need to practice lot of English sentences, right? So first, before explaining everything, first I want you to improve your confidence on communication, your फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर माउथ, आपकी आवाज को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बेटा हम पहले इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे, फिर अलग अलग वाक्यों को मैं बताऊंगा। जैसे अगर आपके हाथ में मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में आप देख सकते हो 17 अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस हमने आपको दिए हुए हैं। पहले उन सेंटेंसेस में से मैं वाक्य बुलवाऊंगा, राइट? ठीक है, तो आज्ञा के भाव से हम शुरू करते हैं। आज्ञा का भाव, एक छोटा सा सेंटेंस, यू ईट बनाना, ठीक है, आपको मेरे पीछे रिपीट करना है, यू ईट बनाना, राइट? अभी आप सवाल पूछोगे, शुड आई ईट बनाना? यस, यू ईट बनाना। नो, यू शुड नॉट ईट बनाना। सवाल करोगे आप, व्हाट शुड आई ईट? ठीक है, चलो अभी मेरे पीछे एकदम अच्छे से मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है आपको, यू ईट बनाना, शुड आई ईट बनाना? यस, यू ईट बनाना। नो, यू शुड नॉट ईट बनाना। व्हाट शुड आई ईट? ठीक है, आपने सेंटेंस बोला मेरे पीछे, तो इसी तरीके से इस सेंटेंसेस को और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अब आज्ञा के भाव टू पर हम सेंटेंस बनाएंगे, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तीसरे इंसान के बारे में, तीसरे को मैं दूसरे से बोल रहा हूँ, मैं इससे बोल रहा हूँ, सामने वाले से बोल रहा हूँ, तीसरे इंसान के बारे में, लेट हिम ईट बनाना, लेट हिम ईट बनाना। ठीक है, सामने वाला मुझसे पूछेगा, शुड आई लेट हिम ईट बनाना? क्या मैं उसे बनाना खाने दूं? सामने वाले को आप क्या बोलोगे? यस, लेट हिम ईट बनाना। अगर नहीं बोलना है तो नो, डोंट लेट हिम ईट बनाना, या फिर आप उसे बनाना मत खाने दो तो क्या बोलोगे? नो, यू शुड नॉट लेट हिम ईट बनाना। क्या बोलोगे? नो, यू शुड नॉट लेट हिम ईट बनाना, नहीं आप उसे बनाना मत खाने दो, राइट? Why should I let him eat banana? मैं उसे बनाना क्यों खाने दूं? सिंपल है कि नहीं? ठीक है, रिपीट करते हैं, अभी हिंदी इंग्लिश में रिपीट करेंगे और जोर से बोलना है, मुंह पूरा खोलना है, आवाज पूरी आनी है, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है? Let him eat banana. Should I let him eat banana? क्या मैं उसे बनाना खाने दूं? Yes, let him eat banana. हाँ, आप उसे बनाना खाने दो. No, you should not let him eat banana. फिर से एक बार ये सेंटेंस. No, you should not let him eat banana. नहीं, आप उसे बनाना मत खाने दो. What should I let him eat? मैं उसे क्या खाने दूं? Right, तो इसी तरीके से सारे sentences अभी हम हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे, right? और आपको देखना है, मैं थोड़ा सा gap दे रहा हूँ बीच बीच में, क्यों? क्योंकि आप अपने sentences उसमें repeat कर पाओ, अगर थोड़ा जल्दी start हो रहा है तो आप pause भी कर सकते हो, okay? Right, ready? तो हम लोग अभी मैं explain नहीं करूंगा आपको, मैं सिर्फ sentences बोलता जाऊंगा, क्योंकि आपकी जबान को perfect कराना ही मेरा मुद्दा है यहाँ पर। बोलने के लिए तैयार? वेरी गुड, शुरू करते हैं। आई ईट बनाना, मैं बनाना खाता हूं। डू यू ईट बनाना? क्या आप बनाना खाते हो? यस आई ईट बनाना, हां मैं बनाना खाता हूं। नो आई डू नॉट ईट बनाना,
नहीं मैं बनाना नहीं खाता हूँ. When do you eat banana? आप बनाना कब खाते हो? ठीक है, अब इसको मैं नाउन के साथ बोलता हूँ. जैसे मैंने बोला आई ईट बनाना, तो मैं इसको अभी बोलता हूँ राम ईट्स बनाना. जब भी राम आएगा तो इसका ईट्स हो जाएगा. ठीक है, राम ईट्स बनाना. अब इसके सवाल है, राम बनाना खाता है ना? डज राम ईट बनाना? क्या राम बनाना खाता है? Yes, Ram eats banana. हाँ, राम बनाना खाता है. No, Ram does not eat banana. नहीं, राम बनाना नहीं खाता है. Why does Ram eat banana? राम ने बनाना क्यों खाया? आई बात समझ में? तो जोर जोर से बोलना है आपको. ओके, बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं. बोलना जरूरी है क्योंकि आपकी जबान को. आपको नहीं आता ऐसा मैं कुछ भी नहीं सिखाने वाला हूँ. जो आपको आता है वही मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन उसको सिखाने के लिए आपकी जबान को आदत लगाना और वाक्यों को बनवाना. हर एक वाक्य को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और बहुत सारा उदाहरण लेकर के एक्सप्लेन करूंगा. रेडी हो ना? बोलते जाओ, बस बोलो, अपनी जबान को खुलो. ठीक है, आई यूज टू ईट बनाना. मैं बनाना खाया करता था. डू यू यूज टू ईट बनाना? क्या आप बनाना खाया करते थे? नो, आई डू नॉट यूज टू ईट बनाना. नहीं, मैं बनाना नहीं खाया करता था. Yes, I used to eat banana. नहीं, मैं बनाना नहीं खाया करता था. अभी हमने बोला हाँ मैं बनाना खाया करता था. Why do you used to eat banana? आप बनाना क्यों खाया करते थे? Why का मतलब क्यों. अब इसमें हम नाउन के साथ बोलेंगे. राम यूज टू ईट बनाना. राम बनाना खाया करता था. डिड आएगा. डिड राम यूज टू ईट बनाना? क्या राम बनाना खाया करता था? यस, राम यूज टू ईट बनाना. हाँ, राम बनाना खाया करता था. नो, राम डिड नॉट यूज टू ईट बनाना. नहीं, राम बनाना नहीं खाया करता था. व्हाई डिड राम यूज टू ईट बनाना? राम बनाना क्यों खाया करता था? देखो मेरे उंगली को देखो, आपको मैं वर्ड्स के हिसाब से उंगली हिला रहा हूँ, तो आपको उस तरीके से बोलते जाना है. वर्ड्स को बोलते जाओ. ठीक है, आई बात समझ में? यस, है ना? ठीक है, तो उंगलियों के इशारे पे आप अगर बोलते जाओगे आपको आसानी होगी शब्दों को बोलने में. हाँ, आई एम ईटिंग बनाना. मैं बनाना खा रहा हूँ. No, I am. Sorry. Are you eating banana? क्या आप बनाना खा रहे हो? Yes, I am eating banana. हाँ, मैं बनाना खा रहा हूँ. No, I am not eating banana. नहीं, मैं बनाना नहीं खा रहा हूँ. What are you eating? आप क्या खा रहे हो? ठीक है, अभी हम वॉच करेंगे.
आई वॉज ईटिंग बनाना, मैं बनाना खा रहा था. नो आई वॉज नॉट ईटिंग बनाना, नहीं मैं बनाना नहीं खा रहा था. What were you eating? आप क्या खा रहे थे? ठीक है, अब इसको नॉन पे बोलते हैं. राम वॉज ईटिंग बनाना, राम बनाना खा रहा था. वॉज राम ईटिंग बनाना, क्या राम बनाना खा रहा था? यस राम वॉज ईटिंग बनाना, हाँ राम बनाना खा रहा था. नो राम वॉज नॉट ईटिंग बनाना, नहीं राम बनाना नहीं खा रहा था. व्हाट वॉज राम ईटिंग, राम क्या खा रहा था?